अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो गए। तो आज का सीन ये है कि हम जा रहे हैं बैरिया टाउन, लेकिन उससे पहले ये है कि लोधी के दोस्त का एक काम छोटा सा है तो वो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता, फिर जाएंगे हम बैरिया की तरफ। तो आज हमारे साथ दो लोग और भी शामिल हैं, ये शोएब भाई, हाथ हिला दें बस, और ये अब्दुलरहमान, और ये है गिलगित से। तो फिर चलो चलते। तो भाई लोग, अब हम नाश्ते की जगह पे आ चुके हैं। तो नाश्ता भाई हमने ऑर्डर कर लिया था, नान चने मंगवाए थे आज भी। पहले व्लॉग की तरह आज देखा होगा कि पहले भी नान चने खाए थे, आज जरा नई जगह के नान चने ट्राई कर रहे हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं, ये देखें, ये भाई ये जरा खमीरी रोटी है, और ये नान भाई, नान चने। और हमारे शाहजी को जो है ना, नान चने बहुत ज़्यादा पसंद। क्यों भाई, की वजह इसकी? आपको पता होना चाहिए ना, आपको बहुत ज़्यादा भाई लाहौरी होने की वजह ये। तुम लोग तो चिश्तियाँ से, ये लोग चिश्तियाँ से, गुजरात से आए हैं। चलो भाई, अब हम नाश्ता का टाइम शुरू होने लग गया। ये एक बहुत अच्छी भाई, शेर भाई आपको कैसे लग रहा है? गिलगित जैसा अच्छा है या फिर नहीं? हाँ जी गाइस, तो 10 में नहा दो के फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ऑफिस में। तो मेरे साथ ये शानी है, और ये जो है, और ये हैं जिस लालत सिंह बैंक में। 2 घंटे की जलालत के बाद हमें अपना इनाम मिल गया। इनाम ऐसा है कि मेरे किसी काम का नहीं है, ये छोटी सी चीज़ के लिए जो है ना, मुझे इतना टाइम लगा। अच्छा, अभी सीन ये है कि शाहजी की वजह से हम दलील हो रहे हैं। अभी हम खड़े हुए हैं यूसीपी फ्लाईओवर के पास। शाहजी वाहिद वो लाहौरी है जिसको लाहौर के रस्तों का नहीं पता। आधा घंटा हो गया हम उनका वेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये साकिब खड़ा हुआ है, और ये उसामा भाई हैं, ये शानी साहब हैं। चश्मा हालांकि इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल बेशरम हो गए, इन्होंने लगाया हुआ है। गाइज हम अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फोटो शूट चल रहा है, ये सभी लोग फोटो जो हैं उतार रहे हैं, और शाहजी इधर खड़े हैं अकेले, इनको कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। और ये आप देख सकते हैं जी, व्यू नाइट, और ये लाहौर का जो है आईफिल टावर है बैरिया में, आपको पता ही है। और शानी भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये दी ग्रेट एफिल टावर है, बल्कि दी ग्रेट एंड स्मॉल एफिल टावर। आर यू कॉमेडी मी? सही है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे ही है कि तस्वीरों में कुछ ज्यादा बड़ा लगता था, अब ये जो है छोटा छोटा महसूस हो रहा है, या हमें महसूस हो रहा है। सो गाइज, हमारा भी प्लान ये है कि आईफिल टावर के टॉप पे जाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट के पैसे हमारे साकिब भाई देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं अच्छा अच्छा ठीक है ना, आधे दे देंगे। तो अभी चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद टॉप पे चलते हैं। एक अननोन रीज़न की वजह से जो है लिफ्ट इस वक्त नहीं चल रही, सो इसलिए जो है हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम नहीं है, अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क की तरफ। तो चलिए अभी वहाँ पर चलते हैं। La ilaha illallah।
तो फाइनली गाइस अभी जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था खाने का, हम खाने की जगह पे आ चुके हैं। किसी ढाबे पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे साथ उसामा भाई हैं, ये साकिब भाई हैं और ये सारे लोग ही बैठे हुए हैं। और खाने का ऑर्डर दे दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ 10 से 20 मिनट हैं तो हम इधर गपशप लगा रहे हैं सारे। तो भाई ये कढ़ाई आपके सामने है और ये रोटी शोटी आ चुकी है। ये हमारे सारे दोस्त भाई इस रोटी पे टूटने के लिए तैयार हैं, बेसब्री। सुबह का नाश्ता किया है, ये बेचारे का मुंह देखे कैसे बेचारा भूख से बैठा। मैंने रोटी खोल दी है, बंद कर भाई। ये देखो यार, ये फुल बाइट बनी है, एक मजेदार किस्म की। हाँ जी मुबशर पुत्र, मजा आ गया भाई। अच्छा तो गाइस हम खाना छाना खा के फ्री हो गए हैं, तो अब ये आप देख सकते हैं। हाँ जी मजा ही आया। बाकी शायद का रात नूं खावांगे बैठ के। मैं पागल वागल हो गया। अच्छा तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को।